Hey guys, welcome back to Target Gurukul. My name is Suraj Verma. I am Chartered Accountant Aspirant. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का ठीक है, फर्स्ट क्लास है हमारा, ठीक है, फर्स्ट क्लास जो हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. अब आप लोग ने थोड़ा बहुत कॉलेज वगैरह अगर आप लोग गए होंगे, ठीक है, आप लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट वगैरह हो गया होगा, या अगर आप लोग ने कॉमर्स स्ट्रीम से होगे तो आपको ये ऑलरेडी मालूम होगा, ऑलरेडी पता होगा, ऑलरेडी पढ़े होगे कि हमारा अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है. और कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो कभी कभी भी अकाउंट के बारे में कुछ लोग ने कुछ भी नहीं पढ़ा. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है, जिसके बारे में अगर अकाउंटिंग कुछ नहीं पता है तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग के लिए है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे हमारा अकाउंटिंग का जो टर्म है, ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो AICPA के द्वारा लिया गया है, ठीक है, यानी कि जो इसका डेफिनेशन बताया गया है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा बताया गया है. जैसे कि बोलूं, डिफाइनिंग अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी. अगर मैं थोड़ा बहुत बताऊं आपको, थोड़ी सी डिटेलिंग में बोलूं, हमारा जो अकाउंटिंग है वो एक कला है, यानी कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, ठीक. कहने का मतलब हम अकाउंट में जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक तो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए या मनी टर्म्स में, ठीक है, और फाइनेंशियल नेचर का ही होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं, अगर ये हमारा क्या है, एक पैनल है, पैनल में अगर मैं स्क्रेच कर दिया तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, बताइए, ठीक है, नहीं. अगर मैं बोलूं नॉर्मल, अगर नॉर्मल भी बोलूं, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज किए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि उस वो एक्टिविटी जो फाइनेंशियल नेचर का होगा, ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म्स में होगा, जो मनी में टर्म्स मनी के टर्म्स में होगा, उन्हीं सारी चीज़ को हम रिकॉर्ड करेंगे. तो हमारा ये मान लो बिजनेस है, और बिजनेस के अंदर, ठीक है, बिजनेस के अंदर मैं ये हमारा एम्प्लॉय था, मैंने एम्प्लॉय को बहुत तारीफ कर दिया, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो एम्प्लॉय है बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया इसकी वर्क है, ठीक है, तो मैं क्या इसको रिकॉर्ड करूँगा, जो ये बताओ, नहीं करूँगा ना, क्यों, क्योंकि इससे मॉनेटरी टर्म्स का या फाइनेंशियल कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है ही नहीं, ठीक है. जनरली एक और एम्प्लॉय है, मान लो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उन्होंने अपने वर्कर्स यानी कि जो अदर एम्प्लॉयज को, ठीक है, वो क्या कर दिया, 1,000 रुपये का, ठीक है, यानी कि जो भी समोसा पार्टी चाय पार्टी यानी कि उन्होंने क्या दिया, पार्टी दिया, और वो जो पैसा था वो अपने जेब से लगाया, अपने पॉकेट से लगाया, तो क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे ये बिजनेस के इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी है ही नहीं. उसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, यानी कि मान लो ये हमारा क्या है, पेन है, ठीक है, तो पेन से मैं लिख रहा हूँ, तो क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं होगा. कहने का मतलब वो सारी चीज़ें, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हमारा इकोनॉमिक इवेंट होंगे उन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. हमारे बिजनेस के अंदर जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये हमारा सेल्स मैनेजर है, ये हमारा परचेस मैनेजर है, ठीक है, ये हमारा सेल्स मैनेजर और ये हमारा परचेस मैनेजर, अगर ये दोनों आपस में फाइट कर लिए, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे इसको, बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी आप बताओ, हम इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे, जल्दी बताइए, क्योंकि ये हमारा फाइनेंशियल नेचर का है ही नहीं, हमारा इसमें कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ये हमारे कहने का मतलब है. यानी कि थोड़ा बहुत आप लोगों को अकाउंटिंग क्या होता है ये तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा. अब मैं बोलूं इसके डेफिनेशन पे आ जाऊं, तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट वाले क्या बोले, यही सेम बताया कि डिफाइन अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर.
हम रिकॉर्ड करते हैं, हम समराइज करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर से, एक सिग्निफिकेंट मैनर से, ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर द पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल कैरेक्टर होगा उन्हीं सारी चीजों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर जब रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेटिंग करेंगे, इंटरप्रेटिंग करेंगे, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। इंटरप्रेटिंग का मतलब मैं एनालाइज करूंगा, ठीक है, इंटरप्रेट करूंगा, एनालाइज करूंगा, ठीक है, ये हमारा एक हमारा ये कंप्लीट होता है। अब मैं बोलूँ एक और हमारा डेफिनेशन दिया गया, वो किसके थ्रू दिया गया, ट्रिपल ए के थ्रू, यानी कि ए और ए फिर ए, यानी कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। ये क्या बोले, ट्रिपल ए ने बोला, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पहले बोला कि हम पहले कोई भी ट्रांजेक्शन करने के पहले, ठीक है, जब हमारा अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होगा तो इसके करने के पहले जो भी हमारा रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग करेंगे, ठीक। आइडेंटिफाइंग का मतलब जो भी हम लोग का बिजनेस है, ठीक है, वो जो बिजनेस है उस बिजनेस में क्या एक्टिविटी, कैसे, कौन, जो हमारा इकोनॉमिक इवेंट होगा, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करना है मुझे, ठीक है। तो इस बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटीज किए जाते हैं, ठीक है, अब इन ये जितने भी हमारे बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होगा, ठीक है, उसको आइडेंटिफाइंग करेंगे, ठीक, आइडेंटिफाइंग करके क्या करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे, ठीक है, हम उसको मेजरिंग करेंगे। मेजरिंग का मतलब जो हम मेजर करेंगे वो किसके फॉर्म में करेंगे, हम मनी फॉर्म में ही मेजर करेंगे, मनी टर्म्स में ही हम मेजर करते हैं, जैसे कि रुपीज हो गया, ठीक है, जितने रुपए का हमारा ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा, ठीक है, वो सारे पैसे में हो गया, ठीक है, कोई यूनिट में हो गया, नहीं, यूनिट में तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि जो भी हम मेजर करेंगे, ठीक है, कितने हमारा मोनिटरी टर्म्स में कितना रुपया है, वो सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। अब मैं आगे बोलूँ, अब उसकी बात क्या करेंगे, क्या करके रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करते हैं, ठीक, फिर हम क्या करेंगे, समराइज करने के बाद हम क्या करेंगे एनालाइजिंग करेंगे, जिसको हम इंटरप्रेटिंग भी कहते हैं, ठीक है, इंटरप्रेटिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएंगे, अकाउंटेंट्स के एक अकाउंटिंग करने का हमारे स्टेप होते हैं, ठीक है, यानी कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो कुछ भी हम रिकॉर्ड नहीं ना कर लेंगे, ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक तो हम आइडेंटिफाइंग करने के बाद आप लोगों ने क्या किया, मेजर किया, ठीक है, मेजर करने के बाद हम लोग ने क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफाइंग करने के बाद समराइजिंग करेंगे, फिर एनालाइजिंग करेंगे, फिर कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, ये सारे स्टेप्स होते हैं, फिर हमारा जाके अकाउंटिंग कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं बोलूँ, हम लोग ने अभी जैसे पढ़ा, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो आपको आ गया समझ में, यानी कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो मनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो या मनी ट्रांजेक्शन हो, उन्हीं सारी चीज़ों को हम करते हैं। फिर मैं बोलूँ क्लासिफाइंग, अब क्लासिफाइंग को मैं थोड़ा बहुत आगे डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है, तो चलो आप लोग ने स्टार्ट करो। क्लासिफाइंग, ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्लासिफाइंग क्या होता है, ठीक है, जरा तुम सोचो, ठीक है, स्कूल में कॉलेज में कुछ अपना एक पूरी इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसमें कुछ बताओ कि अकाउंटिंग के क्या होंगे, टर्म्स में कुछ होंगे, बिल्कुल, यानी कि जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारे क्या होंगे, कुछ क्लासिफाइंग करके एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके हम क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करके रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ ये आपका स्कूल है, ठीक है, स्कूल है हमारा, ये जो स्कूल है
स्कूल के अंदर ये हमारा क्या है, बहुत बड़े हमारा फील्ड है, स्कूल में फील्ड है। अब इसी स्कूल के फील्ड में हम सारे बच्चे को इकट्ठे कर दिए, ठीक है, ये हम सारे बच्चे को इकट्ठे कर दिए। तो क्या इकट्ठे जब कर दिए तो क्या किसी एक बंदे को तुम उठा के बता दिए, एक बच्चे को हम लोगों ने उठाया, क्या आप इसे कौन से क्लास का है अब ये बता पाओगे? तो ये बच्चा ये स्टूडेंट जो है, ठीक है, जो आप लोग ने जिसको उठाया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं उठाया, क्या इसको बता पाओगे कि ये कौन से क्लास का है? पूरे फील्ड में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो 1000+ हैं, ठीक है, 1000 बच्चे हैं, 1000+ बच्चे हैं, क्या आप बता पाओगे कौन से क्लास का है, कौन से सेक्शन का है? बताओ, बता पाओगे? नहीं बताएंगे। क्यों क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये हमारा सिस्टमैटिक वे में है ही नहीं, ठीक है, हमारा सिस्टमैटिक वे में जैसे होना चाहिए, सिस्टमैटिक वे में है ही नहीं। अब मिस, अब आप थोड़ा सा इन सारी चीजों को एक बार और देखो। लेकिन अगर मैं बोलूं, ठीक है, इसी फील्ड में हम लोग ने एक सिस्टमैटिक वे में लाइन बनवा लिया, ठीक, सारे बच्चों का, सारे सेक्शनों का, जितने भी हमारे स्कूल में सेक्शन है, क्लास है, उन सारे बच्चों का हम लोग ने क्या बनाया, लाइन बना दिया। जैसे कि फॉर ये हमारा है, मान लो फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए का बच्चा है, यह हमारा फर्स्ट बी का बच्चा है, यह हमारा सेकेंड बी का बच्चा है, यह हमारा सेकेंड सी का बच्चा है, यह हमारा थर्ड सी का बच्चा है, यह हमारा थर्ड, मान लो नहीं सॉरी, ये थर्ड ए का है, ये थर्ड बी का है, ठीक है। यानी क्या है, जब हम इसमें से किसी बच्चे को अगर मैं उठा लूंगा तो वो मुझे पता चलेगा ना, क्या पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट ए का बच्चा है। अगर मैं इसमें से किसी बच्चे को उठा लूं तो मुझे पता चलेगा ना कि हमारा फर्स्ट बी का बच्चा है। उसी तरह जब हमारा इसमें से अगर उठा लूं तो मुझे पता चलेगा ना कि हमारा सेकंड बी का बच्चा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों ने सारे बच्चों को फील्ड में तो लाया, ठीक है, मान लो 1000+ बच्चे हैं, ठीक है, 1000+ बच्चे हैं, लेकिन हम लोग ने सिस्टमैटिक वे में बैठाया है, ठीक है। जब सिस्टमैटिक वे में बैठाओगे तो जाहिर सी बात है, आप किसी भी बच्चे को उठा लो, किसी भी पंक्ति को उठा लो, तो आप बता पाओगे ना कि कौन से क्लास का बच्चा है, ठीक है। तो उसी तरह सेम टू सेम इसी प्रोसीजर को हमारे अकाउंट में भी फॉलो किया जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे जो बिजनेस है, ठीक है, हमारे जो बिजनेस है, इसी बिजनेस में, ये मान लो हमारा बिजनेस है, बहुत सारे एक्टिविटीज होती रहती हैं, ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी बहुत सारी होती हैं, ठीक है, अदर एक्टिविटी होती रहती हैं, ठीक है। अब इसी हमारे एक्टिविटीज में से, हमारे बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक भी होती है, अदर एक्टिविटी भी होती है, लेकिन हम जो करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी ही को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारे मनी ट्रांजेक्शन में है, मनी टर्म्स में है, ठीक है, जो हमारे मनी के टर्म्स में है, ठीक है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। आई विश इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं बोलूँ आगे, ठीक है, अब आप लोग को ये डेफिनेशन एक बार पढ़ो, रीडिंग करो। AICPA had defined accounting as the art of recording, classifying करता है, जो आप लोग को बिल्कुल आ गया समझ में। अब मैं बोलूँ समराइजिंग क्या होता है, यानी कि किसको किसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम समराइज करेंगे, समराइज करके हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ, ठीक है, अभी आप लोग ने बताया, या न्यू पेज ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि क्लासिफाइंग में हम लोग ने देखा कि क्लासिफाइंग करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में, हम रिकॉर्ड करेंगे एक सिस्टमैटिक वे में, हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, हम रिकॉर्ड करते हैं। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड तो कर लिए, क्लासिफाइंग कर लिए, अब बात आती है समराइजिंग की, ठीक है। समराइजिंग का मतलब हम कौन कौन से चीज़ों को समराइज करेंगे, यानी कि कहने का मतलब हमारा परचेज भी बहुत सारे हुए होंगे, ठीक है। जब हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे थे तो बहुत सारे चीज़ें परचेज भी हम लोगों ने किया होगा, जब परचेज किए तो हम लोगों ने क्या करेंगे, सेल भी किए होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सेल भी किए होंगे। सेल करने के बाद हम लोगों ने मान लो परचेज रिटर्न भी किया होगा, ठीक है, परचेज रिटर्न भी किए होंगे, ठीक है, परचेस रिटर्न किए तो हम लोग ने सेल्स रिटर्न भी किए होंगे, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न भी आप लोग ने देख लो, ठीक है, सेल्स रिटर्न भी किए होंगे,
ठीक है, आप लोग ने रेंट भी पेड किया होगा, ठीक है, जिस भी आपकी बिल्डिंग है, कोई जमीन ली हो या किसी भी चीज की, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या करोगे, रेंट भी पेड किए होगे, ठीक है, आप लोग ने रेंट भी पेमेंट किए होगे, ठीक है, पे किए होगे। तो ये सारे एक्टिविटी क्या हैं, हम इन्हीं सारी चीजों में से समराइज करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करके रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चीजें होती हैं। चलो अब मैं आगे बोलूं इसी सारे चीजों में, इतना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा अभी हम लोगों ने बताया हो, ठीक है। और ये जो हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएटेड था, सॉरी, हम लोग ने एक चीज मिस्टेक कर दिया, आप लोगों ने एक चीज मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट नहीं होगा, ठीक है, ये एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन या एसोसिएटेड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एसोसिएशन या एसोसिएटेड, ठीक है, ये भी लिख दो एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आगे मैं बोलूँ, अब मैं बोलूँ, आप लोग इतना पता चल गया किसको हम रिकॉर्ड करेंगे कितने। अब मैं इसके अदर एक्टिविटीज में, यानी कि अदर में कुछ आपको टर्म्स हम बताऊंगा, यानी कि अदर टर्म्स, अदर टर्म्स, ठीक है, अदर टर्म्स में बोलूं तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा एसेट्स का, ठीक है, ये हमारा एसेट्स क्या होते हैं, आप लोग ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा किसके, गुड्स के, ठीक है, गुड्स के, फिर आप लोग ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा इन सारी चीजों का, लाइबिलिटी का, लाइबिलिटीज, ठीक, फिर आप लोग ने नाम सुना होगा ठीक है, एसेट हो गया, गुड्स हो गया, लाइबिलिटीज होंगे, और मान लो आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अब चलो एक एक करके हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हमारा एसेट क्या होता है, यानी कि सपोज कीजिए हमारा टारगेट गुरुकुल जो है, ठीक है, टारगेट गुरुकुल क्या है, हमारा एक बिजनेस है, बिजनेस में ये हमारा क्या है, पेन है, ये हमारा एसिट है, ठीक है, ये हमारा पैनल है, ठीक है, पैनल हमारा क्या है, एसिट है, यानी कि ये हमारे बिजनेस को ऑन करने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, कैमरा लगा हुआ, ये क्या हमारा एसिट है, लैपटॉप में रिकॉर्ड हो रहा है तो लैपटॉप क्या है, हमारा एसिट है, ठीक है, ये हमारे लाइट्स लगे हुए हैं, फैन लगे हुए हैं, ठीक है, कूलर लगे हुए हैं, क्या क्या हो जाएंगे, हमारे एसिट हो जाएंगे, यानी कि हमारे इसको हम सेल नहीं करेंगे, हमारे बिजनेस को ऑन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। जब हमारा यूज करते हैं, यानी कि जो हम बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बिजनेस को रन करने के लिए यूजेस हैं, उन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, एसेट है हमारा, ठीक है। फिर मैं बोलूं गुड्स, अब गुड्स क्या होता है, यानी कि गुड्स यानी कि सेल एंड सर्विसेस आप करते हो, सर्विसेस बोलो तो आपकी बिजनेस है, और आपके बिजनेस से फॉर एग्जांपल कोई भी गुड्स आप सेल कर रहे हो, यानी कि जो किसी भी चीज का जो आप सेलिंग कर रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, अब गुड्स क्या होते हैं, गुड्स का मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट है, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि किराना स्टोर, ठीक है, किराना किराना स्टोर के अंदर जितने भी हमारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, जो सेल होते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमारे जब सेल होंगे, ठीक है, तो इन्हीं जो जो भी प्रोडक्ट जब सेल होंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा गुड्स हो जाएगा, यानी कि हम इन्हीं सारी चीज़ों का बिजनेस ही करते हैं, ठीक है, जो हमको सेल करना है, जो हमको बेचना है, ठीक है, तो ये हमारा होता है गुड्स।
और वही एसेट क्या होता है, जो हमारे बिजनेस में, ठीक है, यही सेल करने के लिए या सर्विसेज देने के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने बताया ये हमारा क्या हो जाएगा, पैनल, पैनल क्या हमारा एसेट है, हम इसको पैनल को बेच नहीं रहे हैं लेकिन इससे हम क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये हमारा पेन है, तो क्या हम पेन को बेच नहीं रहे हैं, इसको यूज करके अपने बिजनेस में यूज करके हम क्या कर रहे हैं बताओ, हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा चीज, ये हमारा, आप लोग को दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे, एसेट क्या होता है, गुड्स क्या होता है, ठीक है। अब मैं बोलूं लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब हमारा क्रेडिटर, ठीक है, कहने का मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है, ऑब्लिगेशन टू पे, यानी कि मैं किसी बंदे से उधार लिया हूँ, ठीक है, और मुझे क्या करना है, पेमेंट करना है, मैं किसी बंदे से क्या लिया हूँ, पैसा लिया हूँ, ठीक है, 50,000, 10,000, 20,000, और मुझे पेमेंट करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा। जैसे कि एक हमारा ये बिजनेस है, ठीक है, कोई हमारा एक्स वाई जेड बिजनेस है, और ये बिजनेस किसी और बिजनेस से, किसी और कंपनी से क्या लिया है, कुछ पैसा ले चुका है, ठीक है, किसी और, मान लो कोई एक्स वाई जेड बंदा भी हो सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बिजनेस ही हो, किसी, ये हमारा बिजनेस जो है वो किसी बंदे से, ठीक है, कुछ पैसा ले रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लायबिलिटी, ठीक है, यानी कि मैं उसके क्या हूँ, लायबिलिटी है हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं बोलूँ आगे आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, यानी कि मान लो रेंट है, ठीक है, रेंट आपको पे करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आप लोग ने, सपोज करो आपने 1 या 2 मंथ से आप लोग ने रेंट दिया ही नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका आउटस्टैंडिंग है, या मान लो हमारा जो रेंट का अमाउंट था, वो रेंट का अमाउंट मुझे देना था 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये हमको रेंट का अमाउंट देना था, ठीक है, 10,000 रुपये रेंट का अमाउंट देना था, जिसको हम लोग ने उसको पेमेंट पे कर दिया हूँ, ठीक है, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हम लोग, हमने क्या किया, रेंट पे कर दिया, जब पे किया तो हमारा 5,000 रुपये तो हमारा बच गया, ठीक है, 5,000 रुपये तो बच गए। अब ये 5,000 रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी हमारा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। या आप ही मान लो, ठीक है, आपने रूम लेके रह रहे हो रेंट पे, ठीक है, अब रूम लेके ले, जिसमें से मान लो 5,000 पेमेंट कर दिया, उसमें से 5,000 रुपये आपका बाकी है, तो क्या हो जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग हो गया। या मान लो आपकी बिल्डिंग है, आपकी बिल्डिंग में कोई रेंट पे रह रहा है, तो उसने 5,000 रुपये पेमेंट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये भी आउटस्टैंडिंग होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ पैसे मिल गए हैं या कुछ एक भी पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, और जो बाकी हमारा पैसा है उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। अब मैं आगे बोलूं हमारे इकोनॉमिक इवेंट। अब आप लोगों को इतना तो पता चला कि हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारे एक्टिविटी और इवेंट होते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे क्या होंगे, मशीन्स भी लगे होंगे, ठीक है, मशीन भी लगे होंगे, मशीन हमारा क्या है, यानी कि मैं बोलूं यहीं पे मैं बता दूं, ठीक है, यहीं मैं बोलूं आगे, ये हमारा मान लो एसेट तो है। अब इसी एसेट में हमारा क्या है, जैसे कि मशीन हो गया, ठीक है, और कोई बैंक में कैश हो गया, या कैश हो गया, या बैंक में कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है, आपके पास कैश है या बैंक बैलेंस है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो गया। आपके पास कोई व्हीकल है, ठीक है, फिर आपके पास मान लो और भी मशीन, फर्नीचर हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गए, ठीक है, इसी तरह एक्सेट्रा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारे एसेट हैं। अब मुझे ये बताओ बिजनेस करने के लिए हमारा क्या है, ये सारे यूज होते हैं ना, तो बस यही सारी चीज़ें हमारे क्या हो जाएंगे, एसेट होंगे। आपके बिजनेस में मशीन होगा, ठीक है, बैलेंस कैश होगा, फंड होगा आपके पास, कैपिटल जिसको हम कहते हैं, व्हीकल भी होंगे कुछ, और फर्नीचर होंगे, ठीक है, ये सारे कुछ लगे होंगे, तो क्या हो जाएंगे, हमारे एसेट होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारा गुड्स में हम जो सेल कर रहे हैं नॉर्मल, ठीक, ये चीज़। फिर लाइबिलिटीज, हम लोग ने कुछ पैसा किसी से लिया है या कोई बंदा मुझसे लिया है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लाइबिलिटी। उसी तरह आउटस्टैंडिंग, जो पैसा बाकी लगाया है, ठीक है, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग होगा। फिर मैं बोलूँ आगे इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होगा, जो हम इसी बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो इकोनॉमिक इवेंट होंगे, इकोनॉमिक इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे और मनी टर्म्स में होंगे, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर मनी टर्म्स में होंगे, उन्हीं सारी चीजों को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। अब एक बार रीडिंग करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है,
इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज द हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या हो जाए कि जो नतीजे जो हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, उससे जो भी नतीजे आ रहे हैं, ठीक है, वो नतीजे जो फाइनेंशियल नेचर के होंगे, जो मनी टर्म्स में होंगे, उन सारे चीज़ों को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस एंड विच आर द मेजरेबल मॉनेटरी टर्म्स, जो हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं बोलूं कि एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है, ठीक है, यानी कि इवेंट दो टू टाइप्स के होते हैं। अब ये भी आप लोग ने थोड़ा सा देख लो, ठीक है, हमारे जो इवेंट होंगे वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब आप लोगों ने अभी पढ़ा, मेजर जो मेजर करते हैं, सॉरी, आइडेंटिफाइंग करेंगे, मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाइंग करेंगे, समराइज करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, नहीं, इंटरप्रेट करेंगे, इसको हम एनालाइज भी बोल सकते हो, फिर हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो जो हम कम्युनिकेट करेंगे ना, वो दो पार्टीज को करेंगे, यानी कि दो यूजर्स को करेंगे। कहने का मतलब एक हमारा हो जाएगा इंटरनल यूजर्स और एक हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। अब ये क्या होते हैं, तो इंटरनल यूजर्स में, इंटरनल यूजर्स में जो हमारे कंपनी के अंदर हैं, ठीक है, वो सारे इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो परचेस मैनेजर है, ठीक है, कोई बंदा है वो परचेस मैनेजर है, ठीक है, कोई मान लो सेल्स मैनेजर है, ठीक है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है, कोई परचेस मैनेजर हो गया, उसी तरह कोई मान लो फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, तो इसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उसको दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस के अंदर ही वो एक्टिविटी कर रहा है। जब ये एक्टिविटी कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इंटरनल यूजर्स। ठीक है, जैसे कि देख लो, चीफ एग्जीक्यूटिव, ये भी तो हमारा इंटरनल हो गया, ठीक है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब इनको कोई बिजनेस का इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं बिल्कुल दूंगा, ठीक है। फिर मैं बोलूँ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, जो भी हमारा फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, ठीक है, इनको भी जो भी हमारा चाहिए उनको मैं दूंगा। फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे बंदे वाइस प्रेसिडेंट है, इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस से रिलेटेड मैं इनको दूंगा। फिर बिजनेस यूनिट मैनेजर, ठीक है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे इंटरनल यूजर्स ही होंगे। फिर जैसे प्लांट मैनेजर हो गया, स्टोर मैनेजर हो गया, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा, ठीक है, सुपरवाइजर हो जाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगे। सुपरवाइजर मैं लिख देता हूँ, सुपरवाइजर, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटरनल इवेंट। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं बोलूँ एक्सटर्नल, यानी कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस के आउटसाइड एक्टिविटी तो कर रहे हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आउटसाइड कर रहे हैं। आउटसाइड का मतलब कोई हमारा इन्वेस्टर हो गया, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, फिर क्रेडिटर्स हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है, लिखा हुआ, जैसे शेयर होल्डर भी हो गया, हमारे बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है ना, ठीक है, तो हम पब्लिक से ही लेते हैं, तो कोई भी हमारा एक्स वाई जेड, कोई भी पब्लिक या रिचेस्ट आदमी या कोई भी हमारा शेयर खरीद रहा है, ठीक है, तो क्या हमारा हो जाएगा, वो आउटसाइडर ही होगा। फिर उसी तरह हमारा क्रेडिटर, फिर बैंक या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक्सटर्नल यूजर्स, जैसे कि डिबेंचर हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गया, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, फिर इसी तरह एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, कस्टमर भी हो सकते हैं, ठीक है, हमारे कस्टमर भी होंगे, ठीक है, कस्टमर्स हो जाएंगे, ये भी तो हमारे आउटसाइडर ही तो हैं, ठीक है, तो इतना बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बोलूं कि हमारी अकाउंटिंग आप कर रहे हो, यानी कि हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मान लो हमारे ये भाई साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, ठीक है, तो सीए क्या काम कर, क्या काम होता है, अकाउंटेंट करना, सारे चीज़ों को संभालना, ठीक है, जो भी हमारे मनी टर्म्स में है, ठीक है, मनी टर्म्स में जो भी फाइनेंशियल नेचर का है, ठीक है, फाइनेंशियल नेचर का है, इन सारी चीज़ों को क्या करना, रिकॉर्ड करना। तो हम लोग ने अभी सारे चीज़ें जो बताया, ठीक है, कैसे, यानी कि आइडेंटिफाइंग करेंगे, तो हमारे ये जो सीए हैं वो क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाइंग करेंगे, फिर मनी टर्म्स में उसको मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, फिर कम्युनिकेट करेंगे,
किसको, जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होगा उन सारी चीज़ों को, उन सारे लोगों को। उसी तरह हमारा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि जो हम अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हो इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट देखो, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन है उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। फिर इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ यूजर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी कि हम लोग ने जो अभी देखा बताया उन्हीं सारी चीज़ों को। जो भी हमारा ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हमारे क्या हो जाएंगे, जो भी इंटरनल यूजर्स हैं, ठीक है, अब बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो भी है इन सारे लोगों को क्या करेंगे, देंगे, ठीक है, प्रोवाइड करेंगे। और वो जो प्रोवाइड करेंगे तो वो जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा अकाउंटिंग है एक सिस्टम है जो आइडेंटिफाइंग करेंगे, आइडेंटिटीज जो भी होती हैं रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेशन तो करते हैं, ये सारा समझा दिया। तो रिलेवेंट होना चाहिए जो भी हम बता रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जो हम उपयोगी है, ठीक है, यानी कि जो हमारे इंफॉर्मेशन है जो उपयोग करने लायक है वो। फिर हमारा क्या हो जाएगा, भरोसेमंद होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। फिर कंपेरेबल होना चाहिए, जो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के हमारे होने चाहिए। अब मैं बोलूँ एक एक चीज़ को थोड़ा सा डीप में मैं आपको ले जाता हूँ। फर्स्ट हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन, अभी आप लोग ने बताया आइडेंटिफाइंग करते हैं, तो उसी सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स द डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शंस टू रिकॉर्ड, ठीक है, टू रिकॉर्ड विच आर वी रिकॉर्डेड इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, यानी कि जो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा बिजनेस है, जो भी इवेंट हो रहे हैं उन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद जो भी सेलेक्टिंग इवेंट होंगे उन्हीं सारा चीज़ें जो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। जो भी हमारा ऑब्जर्व करेंगे एक्टिविटीज़ को, फिर सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारे इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कंसीडर करेंगे फाइनेंशियल करेक्टर का, जो फाइनेंशियल करेक्टर है उन्हीं सारी चीज़ों को करेंगे। एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मैं आगे बोलूँ, आइडेंटिफाइंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, अभी हमने बताया, ठीक है, तो मेज़र करेंगे, तो इट मीन्स द क्वांटिफिकेशन, जो मेज़र करेंगे, जो एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन तो होना ही चाहिए और वो फाइनेंशियल टर्म्स का होना चाहिए, ठीक है। जो फाइनेंशियल अगर नेचर का नहीं होगा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिल्कुल। फिर यूजिंग द मॉनिटरी यूनिट, ठीक है, जो मॉनिटरी यूजिंग होगा, हम लोग ने पहले बता दिया, एक तो हमारा रुपीज़ में होना चाहिए और एक हमारा पैसे में होना चाहिए, जो हमारा रुपीज़ में है और पैसे में है। एंड द मेजरमेंट यूनिट इट कैन इवेंट कैन नॉट द क्वांटिफाइड इन मॉनिटरी टर्म्स, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर द रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर वो मॉनिटरी टर्म्स में नहीं है तो हम बिल्कुल उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसे कि मैं बोलूँ एक एम्प्लॉई ये है और एक एम्प्लॉई ये है, आपस में अगर ये फाइट कर लेते हैं, ठीक है, फाइट कर लेते हैं अगर, तो हम इसको क्या रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है, रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मॉनिटरी टर्म्स में है ही नहीं। तो जो हमारे मॉनिटरी टर्म्स के होंगे, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं आगे बोलूँ रिकॉर्डिंग की, ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब वन ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट आर द आइडेंटिफाइंड एंड मेजर इन द फाइनेंशियल टर्म, दीज आर द रिकॉर्डिंग, ठीक है, दीज आर द रिकॉर्डिंग इज द बुक ऑफ अकाउंट इज द मनी टर्म्स, ठीक है जो भी हमारा मनी टर्म्स में है एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये सारे चीज हम लोग ने ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, तो एक बार देख लो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हम डे टू डे कर रहे हैं, ठीक है, डे टू डे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम वीकली कर रहे हैं, ठीक, वीकली करेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं, मंथली करेंगे या क्वार्टरली करोगे या एनुअल। तो इन सारी चीज़ों को क्या हो जाएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। आगे मैं बोलूँ कम्युनिकेशन, तो हम लोग ने सारा को डिस्कस कर लिया, तो एक बार रीड कर लो केवल। द अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी डिफाइंड एज अ सच एस वे दैट द राइट इन्फॉर्मेशन राइट पर्सन को, ठीक है, हमको क्या करना है, प्रोवाइड करना है, राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट पर्सन होना चाहिए, एट द राइट टाइम होना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट्स कैन बी डेली वीकली,
ठीक है, डेली हो या वीकली हो या मंथली हो और द क्वार्टरली हो या एनुअली हो, ठीक है, एनुअली तो हम लोग करते ही है नॉर्मल, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द यूजर्स, यानी कि जो हम लोग ने इंटरनल और एक्सटर्नल में है तो उसमें जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल में है उसको क्या किन सारी चीज़ों का यूजर्स है यानी कि नीड है, ठीक है, उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करेंगे, इन्फॉर्म देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आगे बोलूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, तो द कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस एज द अकाउंटेंट एबिलिटी एंड द एफिशिएंसी इन प्रेजेंटिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होगा उन्हीं सारी चीज़ों को क्या करेंगे, बताओ, कम्युनिकेट करेंगे, बस सिंपल। अब आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, आपका हो गया, ये सारे कुछ पढ़ लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल हम आगे बताएंगे, ठीक है, इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जब तक आप लोग का काम यह है कि जितना आज हम लोग ने पढ़ा उसके बाद रिवाइज कर दीजिए, फिर कल मैं आगे प्रोसीड करूंगा। अब उसके पहले अगर आप लोग ने बीकॉम फर्स्ट ईयर का, ठीक है, सारथी बैच स्टार्ट मतलब नहीं लिया है तो इस बैच को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए, हमारे ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, जो बच्चे ले चुके हैं तो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप लोग ने नहीं लिया अब तक तो इस सारथी बैच को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जिसमें हमारे क्या हो जाएंगे, थ्योरी क्वेश्चन होंगे, क्लास नोट्स होंगे पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ, और ये हमारे ऐप पे ही होगा, ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आपको और पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।